गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिएगा, आज हमने कढ़ाई की हेल्पी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी यम्मी डिलीशियस माशाल्लाह से बनी है। तो हम इसमें नींबू डाल के खाएंगे, नींबू से इस अरबी का टेस्ट दुगना पड़ जाता है। अगर आपको खटाई पसंद है तो आप खटाई डाल सकती हैं, बट इसमें ऊपर से नींबू डालते हैं तभी इसका टेस्ट दुगना बनता है। बहुत ज़्यादा जल्दी बनती हैं, अगर आपकी अरबी गली हो तो बहुत टेस्टी लगती हैं। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, ये गाँव की रेसिपी है तो बहुत टेस्टी लगती है। अगर अरबी बनाना है तो गांव की रेसिपी से बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसी लगी आपको। माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको देखने में ज़रा से भी अच्छी लगती है ये अरबी, तो फिर चलिए बनाते हैं हनीफा के किचन में हनीफा के साथ कढ़ाई अरबी की रेसिपी। तो फिर आज कढ़ाई की अरबी बनाने शुरू कर दें। इसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल पहले से ही प्रीहीट होने रख दिया है। ये हाफ के जी अरबी है, इसे मैंने काट लिया था, धो लिया है 7-8 बार, जिससे इसकी मिट्टी सारी निकल गई है। और मेन बात ये है, ये मैं बता दूँ, मैंने 1 चम्मच भर के जीरा लिया है, तो इसे मैं पानी की मदद से पहले पीस लूँगी बारीक। तो ये देखिएगा, तेल हमारा प्री हीट हो गया है, तो इसमें हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ी हींग है अच्छी वाली, वो इसमें डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा तड़क जाएगा तब हम इसमें जो हमने जीरा पीसा था, ये बिना मतलब सिका हुआ जीरा नहीं था, प्लेन था। और ये सारा नमक, जिसमें 1 चम्मच जीरा लिया, तो 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आप पिसा नमक लेते हैं तो 1/2 चम्मच से भी कम लीजिएगा, वरना कड़वा होगा तो फिर बाद में और डाल सकती हैं आप। तो ये सब हम साथ डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे, स्लो मीडियम फ्लेम पे स्टार्च से मसाला भून लेंगे। और इसमें जो पानी था वो थोड़ा सा पानी की मदद से हम इसे भूनेंगे, तो जो मिक्सर में पानी था हमने जो पीसा था जीरा, उसी से ही मतलब हमने ये वो पानी इसमें मिक्सर में लेके इसमें डाल दिया। अब फुल मीडियम कर लेंगे हम इसे, फुल फ्लेम कर लेंगे और इसका थोड़ा मसाला भून लेंगे। इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी अरबी बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार अरबी। ये देखिएगा, इस तरीके से हम अपना मसाला भून लेंगे और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा, फिर हम अपनी अरबी डालेंगे इसमें, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिएगा, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसमें जो धुली हुई हमारी अरबी थी पहले हमने इसे छील लिया है, फिर इसे धोया है। कभी आप धो के मत छीलना, वरना ये बहुत स्लिप होती है, स्लिपी हो जाती है। तो हम इसे फुल फ्लेम करके 1 से 2 मिनट इसे चलाएंगे अरबियों को, और फिर हम इसे गलने लेंगे। तो स्लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे गलाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं गलाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे गलाएंगे तो उसका सारा पानी उड़ जाएगा, और फिर भी ये कर रही रहेंगी क्योंकि अरबियों का मैटर तो यही रहता है। और एक तो खास बात और बता दूँ, ये कढ़ाई वाली अरबी लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए, एल्युमिनियम की में नहीं बनाइए, ना ही स्टील वगैरह में। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके पास नहीं है, मजबूरी है, लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो फिर तो आपको एल्युमिनियम की कढ़ाई में भी बनाना पड़ेगा, तो उसमें भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। बस इसका जो ब्लैक पन है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर आता है वो लोहे की कढ़ाई में ही आता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो लोहे की कढ़ाई में ही बनती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं, तो ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ये गाँव की मतलब रेसिपी है, तो गाँव के लोग इसे लोहे की ही कढ़ाई में बना देते, तो इसलिए मैंने इसको आपको लोहे की कढ़ाई में बनाया है। बताना अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, तो जो कढ़ाई हो आप उसमें बना सकती हैं। तो उसमें करीब हम 1/2 गिलास के करीब, हमने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला और स्लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाएंगे। इस टाइप से जब बॉईल आने लगेगा फिर हम इसे स्लो कर देंगे, तो ये 15 से 20 मिनट लेंगे, और फिर 1/2 घंटा भी ले सकती हैं, क्योंकि ये अरबियों के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ अच्छी अरबी होती हैं वो जल्दी गल जाती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती तो वो बहुत टाइम लेती हैं, मुझे नहीं पता ये कितना टाइम लेंगी, तो मैं इसे ढक देती हूँ फिलहाल। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम कर दूंगी और फिर इसमें गलने दूंगी, 10 मिनट बाद खोल कर देखूंगी। बीच में 1 से 2 बार हम इसे चला देंगे ताकि इसके पानी खुश्क नहीं हो, अगर पानी खुश्क हो गया होगा और भी हमारी नहीं गली होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ये देखिएगा, 15 मिनट में हमारी अरबी गल गई और माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है। जब गल जाए तो इसे कस लीजिएगा और इसमें रोगन दिखने लगता है, और आप इसे नींबू डाल के सर्व करिएगा रोटी पराठे चावल से, जिससे भी आपको पसंद हो आप उसे खा सकती हैं। और अगर आप ऊपर से घी डाल के खाते हैं तो उसका टेस्ट और दुगना होता है। तो आप ही बना के देखिए, बहुत टेस्टी है, डिलीशियस माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई वाली अरबी बनके तैयार हुई है।
तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। फिर मिलेंगे इतनी प्यारी प्यारी और चिड़चिड़ा रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से हाफिज़।